और अगर आप बच्चों के सामने मेहनत करोगे, अपने आप को बिल्कुल खड़ा रखोगे कि देखो ऐसे रहे, मेरी और बच्चों की जो ट्यूनिंग है। It's 2 AM and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. तो शानू अभी बड़ा नहीं है, छोटा है, उसने 12th करी है अभी। नमस्ते फ्रेंड्स, और आज का वीडियो का टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या है ये मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि हुआ क्या, अभी मैं और शानू बैठ के छत पर कुछ डिस्कस कर रहे थे, एक टॉपिक छिड़ गया था और उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा था। मैंने आपको बताया है कि जैसे मेरी और बच्चों की जो ट्यूनिंग है वो मतलब काफ़ी अच्छी है, बड़ी बढ़िया फ्रीक्वेंसी मेरी उनके साथ क्लिक करती है, तो हम जब कभी भी बैठते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स को लेके हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बाहर से वो विंड चाइम्स की आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, और थोड़ा सा और भी आवाज़ आएगी क्योंकि रोड बिल्कुल यहीं साइड में है, तो उसे इग्नोर करिएगा। तो मैंने सोचा कि जब ये डिस्कशन हो रहा है तो क्यों ना मैं इस डिस्कशन को आपके साथ शेयर करूं। और मैंने ना आज आप लोगों के लिए कुछ रेसिपीज भी रख रखी हैं, आप लोगों ने बोला था ना, मैंने करवा चौथ पे बनाई थी रेसिपी एक बार, और 2-3 चीज़ें बनाई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। और जो ये पनीर की सब्जी मैं आपको बता रही हूं ना, मलाई कोफ्ता की, ये मैंने करवा चौथ पे रिकॉर्ड करी थी, आप लोगों ने कहा था कि बनाना बताओ, तो उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। बहुत आसान है और बिना प्याज लहसुन के ये बनती है, तो जल्दी से देख लो ये भी। तो बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, ये करीब 500 ग्राम्स का मतलब पनीर है, थोड़ा सा उससे कम होगा, मैंने थोड़ा सा तो बचा के रख लिया है जिसे मैं बाद में यूज़ करूँगी, और कुछ मैंने करीब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया है जिसकी कि मुझे बनाने हैं कोफ्ते। सबसे पहले लिया पनीर और इसको अच्छी तरीके से कस लेंगे कद्दूकस में, और इसमें अब हम डालेंगे कुछ मेवे। मेवे के लिए बारीक काट लीजिए काजू, बादाम, किशमिश, और ये सब काट के हम इसमें डालेंगे और ये अच्छी तरीके से बंध जाएं। इसके लिए हमें इसमें डालनी है मैदा, तो मैंने डाली करीब 2 चम्मच मैदा इसमें, और वैसे तो आप चाहें तो इसमें आलू भी बारीक कसकर डाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़े से ये हार्ड हो जाते हैं, तो 2 चम्मच मैदा डाल के अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया। कोई नमक या कोई मसाला हमने इसमें ऐड नहीं किया है, और फिर हमने इसके जो हैं कोफ्ते के बराबर, जितने बड़े आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं ये बना लिए हैं, और जैसे कुछ लोग तो गोल भी बनाते हैं, कई जगह रेस्टोरेंट में आपको लंबे खाने को मिलते हैं, तो मैंने बिल्कुल इस तरीके से ये कोफ्ते बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको फ्राई करना है, तो मैंने लिया ऑयल, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ इस ऑयल में, मॉर्निंग से करवा चौथ जो है आज, तो इसमें मैंने काफ़ी सारे जो कोफ्ते जितने भी आए डाल लिए, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, हल्का हल्का सा घुमाना है इनको, क्योंकि ये अगर कढ़ाई में लग जाते हैं तो वहीं से ये सिक जाते हैं और इनमें दाग सा आ जाता है, जबकि हमें इनको बिल्कुल स्मूथ सा रखना है, हर तरफ से पकाना है। धीमी गैस पर इनको अच्छी तरीके से फ्राई किया और निकाल लिया। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले लिया मैंने खोआ, ये खोआ घर पे निकला हुआ है, तो होगा करीब ऐसे 150 ग्राम के करीब होगा, 150-200 ग्राम होगा। अगर आपके पास खोआ नहीं है तो घर की मलाई ले लीजिए, अगर मलाई लेंगे तो उसे मिक्सी में डाल के फेंटने की ज़रूरत नहीं है, खोए को स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा पानी या दूध डालकर इसको मिक्सी में चला लेंगे, ज़्यादा देर मत चलाइएगा वरना खोआ जो है थोड़ा सा फट जाता है, और इसका बस हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, मैंने इसमें थोड़ी सी घर की मलाई भी डाल ली है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे जो है खोआ जो है स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो गया, अब हमें लेने हैं टमाटर, तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं और दोनों टमाटर को बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, और इसमें करीब 3-4 इंच अदरक का टुकड़ा भी मैंने डाल लिया है, तो टमाटर और अदरक को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, तो हमारे 2 पेस्ट तैयार हो गए हैं बिल्कुल अलग अलग। अब मैंने लिया है देसी घी, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, डाला जीरा, थोड़ा सा भूनने के बाद जो हमारा टमाटर का पेस्ट था वो हमने इसमें डाल दिया, जब टमाटर का पेस्ट हल्का सा पक गया तो इसमें डाला नमक, और नमक डालने के बाद डाली कसूरी मेथी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया इन सबको, टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है तो अब हम इसमें डाल सकते हैं मसाले जैसे कि लाल मिर्च, धनिया और हल्दी, अपने अकॉर्डिंग आप इनको ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से इनको भूनने के बाद करीब कुछ सेकेंड्स हमने इसमें खोए का पेस्ट जो हमने बनाया था, खोया मलाई का पेस्ट, वो मिक्स कर लिया है, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया, खोआ भी घी छोड़ देता है, जब ये घी छोड़ दे तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करिए, और अपनी हिसाब से आप इसकी जो है ग्रेवी बना सकते हैं, मैंने थोड़ी सी गाढ़ी रखी है, आप जैसी चाहें वैसी रख लीजिए, और इसमें अब ऊपर से हम डालेंगे गरम मसाला और भुना हुआ जीरा,
तो वो दोनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ये है भुना जीरा और गरम मसाला, दोनों मैंने इसमें डाल लिए, मिक्स कर लिए और अब हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बस इसे सर्व करेंगे, इसमें डाल लेंगे कोफ्ते। सर्व करते टाइम इसमें कोफ्ते मिलाइएगा गरम गरम और ये इतनी टेस्टी रेसिपी बनेगी कि आप बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। बिना प्याज लहसुन की ये शाही ग्रेवी है, ऊपर से डाल दिया इसमें कसा हुआ पनीर। एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा, हर त्योहार पे फिर आप इसी को ही बनाएंगे। विंटर्स अब आ गए हैं और विंटर्स में हमारी स्किन ना बहुत ही ज्यादा ड्राई और इची हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं होगी थैंक्स टू वाव स्किन साइंस विटामिन सी बॉडी लोशन। विंटर्स में स्किन के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होना ही चाहिए, कुछ ऐसा जो स्किन को मॉइस्चराइज भी करे लेकिन स्टिकी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पर्सनली मुझे वो स्टिकी ग्रीसी टाइप के बॉडी लोशन पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं यूज करती हूँ वाव स्किन साइंस का विटामिन सी बॉडी लोशन। ये बॉडी लोशन स्किन की ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करता है, डीप हाइड्रेट करता है और जो इरिटेटेड स्किन होती है उसे सूथ करने में भी हेल्प करता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं प्योर विटामिन सी, ककाडू प्लम एक्सट्रैक्ट, बीटरूट एक्सट्रैक्ट और हाइलुरोनिक एसिड। ये एक लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है जो हाइड्रेशन को रिटेन करने में और स्किन डैमेज रिपेयर करने में हेल्प करता है और स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। और ये बॉडी लोशन यूवी रेज और पॉल्यूशन से होने वाले डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। ये बॉडी लोशन नॉन ग्रीसी है, स्किन में बहुत ही जल्दी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है बिना स्टिकी फील कराए। ये बॉडी लोशन नेचुरल एक्टिव से बना है जो 100% वेगन और ग्लूटन फ्री है और इसमें ना इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई भी मिनरल ऑयल, पैराबेन, सिलिकॉन्स और कलर्स नहीं है। और इसमें दिया हुआ है यहाँ पे एक QR कोड जिसको कि आप स्कैन करके इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप यूज करते हैं मेरा कोड भूमि20 तो आपको मिलेगा इनकी वेबसाइट पर 20% डिस्काउंट। मॉइस्चर अप दिस विंटर, बी वाव नेचुरली। मेरा और शानू का डिस्कशन ये चल रहा था कि जो माँ होती है क्या उसकी पर्सनैलिटी का, करेक्टर का इम्पैक्ट घर पर आता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक मदर फिगर जो घर में है वो एक घर का मेन पार्ट है, वो सेंटर है। माँ के कैरेक्टर का असर जरूर जरूर बच्चों पर जरूर पड़ता है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चों पर अपने रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, उनको रोक सकती है, उनको उनको सही चीज सिखा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर माँ अगर उनसे मना करेगी तो बच्चा अगर जबरदस्ती करता है तब एक अलग चीज होती है, लेकिन जो एक माँ का एक कैरेक्टर होता है वो बच्चा हमेशा सीखता है। जैसे पेशवा बाजीराव थे, उनका कोई गुरु नहीं था, उनका गुरु उनकी माँ थी, उनकी माँ ने ही उनको उनकी सारी वैल्यूज, उनको जो भी चीजें थी उनकी, जिन्होंने उनको इतना बड़ा महान राजा बनाया था, वो उनकी माँ की वैल्यूज जो उन्होंने उनको सिखाई थी उसकी वजह से ही आ पाया था। तो वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज जैसे कि नहीं, एक भाई एक बड़ी पर्सनैलिटी के लिए मेरे लिए तो वैल्यूज हैं, मैंने बनाई इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते, एक बच्चे के लिए वैल्यूज क्या होती है, वो क्या वैल्यूज सीखता है अपनी माँ से? बच्चे के लिए वैल्यूज ये होती कि उसे पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, उसके लिए भी और समाज के लिए भी और उसके आसपास जो सराउंडिंग सोसाइटी है उसके लिए। तो सही और गलत तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता। अब जैसे तुम कुछ काम करो और मैं कहूँ कि नहीं ये मत करो ये गलत है, तो ऐसे थोड़ी समझ में आता है बच्चों लेकिन को। वो उनको समझाना पड़ता है, वो एक माँ ही एक उनको समझा सकती है। कैसे? अब जैसे मैं तुझसे कहूँ कि नहीं मॉर्निंग में जल्दी उठो, तो कैसे तुम मानोगे कि जल्दी उठो? तुम्हारा अपनी मर्जी रहेगी उसमें। वो एक माँ के कैरेक्टर के ऊपर है ना, वो उसको उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करती है। अगर माँ नहीं कर पाएगी वो चीज, अगर बच्चा नहीं कर पाता, जब उसकी सफलता होती तब सब बोलते हैं हाँ उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद करी, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाता तब सब बोलते हैं कि बच्चा ही बेकार था। कोई उसका ये नहीं देखता कि हाँ ठीक है बच्चा जो था, अगर उसको एक सही टाइम पे जो एक सही सपोर्ट की जरूरत थी, अगर सही टाइम पे वो बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहा है, तब अगर कोई जना उसके पास आके बोले हाँ तुम करो ये चीज करो ये चीज, उसके पीछे पड़े, जैसे आप थी, आप हमेशा जो बोलती थी, हमेशा मैं डांटती रहती थी पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन तो हमें आज वो एक चीज है कि पढ़ाई हमारे एक लाइफ में एक मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर माँ को यही करना चाहिए कि अपने बच्चे से बोले कि पढ़ो 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 पढ़ो, जो एक बच्चे की कैपेबिलिटी और जो उसकी एबिलिटीज हैं उनको और बढ़ाया जाए और जो उसकी गलत चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश की जाए। जैसे बच्चा गुस्सा बहुत करता है हर चीज पे, वो है चिड़चिड़ा जाते हैं, तुम लोग भी चिड़चिड़ा जाते हो।
है ना, हर चीज पे गुस्सा करते हैं, हर चीज पे ये है कि उनको अपने तरीके से चीजें करनी है, तो कहीं ना कहीं उनको करने दीजिए, उनको एक फ्रीडम दीजिए, लेकिन उनको एक एथिक्स और एक वैल्यू सिखाइए जो जिनसे वो अपना हर एक काम को करें। अगर आप जंग भी लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं किसी से भी, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक एथिक्स से काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये बात तो सही है, और मेरा मन बार बार कर रहा है कि मैं इसका फेस आपको दिखाऊं, थोड़ा सा दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहाई तो नहीं हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी, अरे नहीं फिर कभी, नहीं शानू बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सा अच्छा लगता है, मेरा प्यारा बच्चा है, थोड़ा सा कर देती हूँ, नहीं फिर कभी, चलो चलो चलो। नहीं असल में है कि आप कोई भी बच्चा है, अब मतलब अब मैं नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल से बात करते हैं कि उसका किसी का भी एग्जाम्पल उठाते हैं, तो ये तो मैंने देखा है वाकई कि जो माँ की आदतें होती हैं वो बच्चों में बहुत जल्दी ट्रांसफर होती हैं, ये तो मतलब फैक्ट बात है, और ये तो मतलब जो मेरा और इसका डिस्कशन काफी देर से चल रहा था इस टॉपिक के ऊपर, और हर बच्चे के अंदर इथिक्स और वैल्यूज होनी ही चाहिए। अब बहुत सारी गलत आदतें भी बच्चे पकड़ लेते हैं, और आज और हम ऐसा एज अ पेरेंट ये समझ नहीं पाते हैं कि वो आदतें मतलब हम उसमें से दूर कैसे करें, क्योंकि वो हम तो ये समझते हैं कि वो आदत उसके अंदर गलत है, बच्चा तो नहीं समझ रहा ना कि ये गलत चीज़ है। हम बच्चे को कहते हैं कि मोबाइल कम चलाओ, ये गलत है, हम इसलिए कहते हैं कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन बच्चे को लगता है कि नहीं ये गलत क्यों है, आज मतलब ये आजकल की एक चीज है जिसे हम यूज कर रहे हैं, और हम अगर इसे यूज करें तो उसमें बुराई क्या है। तो मेरे हिसाब से बच्चे को कोई भी चीज जब समझानी रहती है तो बच्चे की समझ में वो तब आती है जब आप उससे एक फ्रेंडशिप रखो। मेरी जो शेयरिंग है मतलब 99% तो समझ छोड़िए, सारी की सारी शेयरिंग मेरी बच्चों से है, और बहुत हेल्दी वे में शेयरिंग होती है। तो मेरे बच्चों की भी जैसे अब मैं बताऊं, मैं मेरे पास क्या अर्निंग है, मैं कहाँ पे किस तरह से उनकी सेविंग्स कर रही हूँ, घर में कितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम शेयर एक दूसरे से करते हैं। एक जब रिसोर्सेज की बात आती तो रिसोर्सेज में आप बच्चे के संग जब लगेंगे, हाँ। भले आप उसको एक बताइए कि हाँ ठीक है हमारे पास इतना ही है, लेकिन उसको कभी ये फील ही ना होने दें, वो मतलब उसको ये लगता है मेरे पास ये कम है, लेकिन जब उसका एक टैलेंट जो होता है स्कूल्स में भेजते हैं, जब स्कूल्स में उसको भेजा जाएगा और उसका जो वो काम करेगा उसका जब उसे रिकॉग्निशन मिलेगा तो उसके लिए वो उसे लगेगा कि ये चीज कुछ स्पेशल है मेरे लिए। नहीं ये बात इसने बिल्कुल सही कही, क्योंकि इसने मुझसे एक बार कही थी एक डिस्कशन में कि जैसे बच्चा कुछ लिखता है और अगर उसे अप्रिसिएशन उसकी हैंडराइटिंग पे मिलता है तो वो उससे उसे खुशी होती है, उसके मन में ये चीज आ जानी चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ इससे मुझे जो है ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन मैं किससे लिख किस चीज से लिख रहा हूँ, मैं नॉर्मल पेन से लिख रहा हूँ, पेंसिल से लिख रहा हूँ, पार्कर के पेन से लिख रहा हूँ, ये उसके उस बस ये अंतर है जो हमें बच्चे को बताना होता है। और हम अगर ये फोकस करेंगे, हम उसे एक नॉर्मल पेन दे के भी अगर इस चीज पे फोकस करेंगे, अरे वाह तुम कितना सुंदर लिख रहे हो, कितना अच्छा है ये तो बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग है तुम्हारी, ये अप्रिसिएशन। और बच्चों के सामने जो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप फुल ऑफ एनर्जी रहते हो, बिल्कुल बढ़िया, मैं कहती हूँ अच्छा है, सब बढ़िया है, लाइफ फुल ऑफ एनर्जी है, जिंदा दिल, बिल्कुल सही बात है, तो उससे माहौल बिल्कुल अलग रहता है, कभी भी बच्चा डिप्रेस फील करेगा ही नहीं। आपकी किसी चीज पे किसी से झगड़ा हुआ और आप घर में मुंह लटका के बैठ गए, उस चीज के माहौल का बच्चों के दिमाग पे धीरे धीरे असर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, यकीन मानिए इस बात को, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, मैंने देखा है ऐसा। और अगर आप बच्चों के सामने मेहनत करोगे, अपने आप को बिल्कुल खड़ा रखोगे कि देखो ऐसे रहना चाहिए, और साहब हर चीज पॉसिबल है, बेटा तुम ये क्यों सोच रहे हो, ऐसे ऐसा नहीं होता, ये वाली जो जील अगर आपके अंदर है, ये इंथू अगर आपके अंदर है ना, तो बच्चे के अंदर वो आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब जब आप कहते हो मेहनत करती हो आप और मतलब हमें आलस आ जाता है, ठीक है प्रैक्टिकल हम ज्यादा काम करते हैं थकते हैं, लेकिन मैं थकती भी हूं तो कोशिश करती हूं, जैसे ये भी चीजें धीरे धीरे सीखी हैं कि ये दिखाऊं कि नहीं वाह मजा आ गया, थकान हुई लेकिन देखो कितना बढ़िया ये काम हुआ। अगर हम कुछ डिफरेंट चाहते हैं, हमेशा कहती हूं, तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, अगर हम कुछ बढ़िया चाहते हैं तो हमें बढ़िया
कुछ उसमें इनपुट देना पड़ेगा। फैक्ट है ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छी पोजीशन होल्ड करें और बहुत ऊपर के लेवल तक जाएं, तो वो चीज आपको भी तो करनी पड़ेगी। आपकी अगर घर के अंदर भी पोजीशन है तो उसे ऐसी बना लो कि बच्चा हर जगह देख के ये कहे, अरे वाह माँ आप ऐसे रखते हो सामान को, वाह। तो बिंदास बढ़िया जील से रहो, खुश रहो, बच्चों के सामने मेहनत करके दिखाओ। यही एक चीज है जो मंत्र है सबसे पहले, क्योंकि बच्चे के लिए जो रोल मॉडल होता है घर में, सबसे पहले उसके पेरेंट्स होते हैं। कई बार रोल मॉडल बनते बनते हम इतने ना छा जाएं बच्चे के ऊपर, अरे शानू क्यों रोल मॉडल बनते बनते बच्चों के ऊपर इतना हम दबाव ना क्रिएट कर दें, इतना ना हम छा जाएं उसकी पर्सनैलिटी पे, उससे इतना ज्यादा ना एक्सपेक्ट करने लगें कि वो उसकी खुद का ही व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी डूब जाए, कहीं खो जाए। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बच्चे से ये कहना देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया, ये सही नहीं होता है। बच्चे को ये हमेशा बताना होता है अपने एक्सपीरियंस से कि तुम इस काम को ऐसे करो, पक्का 100% हो जाएगा, तुम देखना, मैं मुझे पता है ये चीज। और अगर हम बच्चे को हमेशा ये सुनाते रहते हैं कि नहीं ऐसे करो, हमने ये किया था और मैं जब छोटी थी तो मैं ये करती थी और मैंने ये टॉप किया, वो किया और हम इस पोजीशन पे, इनसे नहीं उस पर कोई असर पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन क्या है। हाँ वो दोस्तों के बीच में बताएगा तब उसे अच्छा लगेगा, लेकिन आप अगर ऐसा बहुत बार कहोगे तो उसके अंदर एक ये चीज आने लगती है कि नहीं, ये जब इतने ऊपर हैं और ये हमसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम इस चीज के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसका मतलब हमसे ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो इस तरह से हो रही थी मेरी और शानू की बातचीत। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब शानू के संग डिस्कशन फिर करेंगे और फिर आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, और देखते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप बताओगे तो और डिस्कशंस के वीडियो भी मैं डालूंगी। I'm just not tired.